हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है। सर स्वागत है आपका, बताइए कैसे देख रहे हैं आप लोअर सर्किट लगने के बाद जो शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, इस पे क्या टेक है आपका? देखिए पूरे विश्व भर में एक भय का माहौल है। जी सर, कोरोना वायरस तो एक तरफ है, लेकिन उसके बारे में जो भय होता है, फियर इज बिगर देन थर्ड वर्ल्ड वॉर, सो दिस इज द फोर्थ वर्ल्ड वॉर ऑफ द मार्केट, जहां पर मतलब इन्वेस्टर ही पैनिक हो जाते हैं। सो एक्चुअली इट इज नॉट इवन बाय द सेलिंग, इट इज बाय लैक ऑफ बाइंग। मतलब डर से क्या होता है, सवेरे जब बाजार खुलता है तो कोई बायर है ही नहीं, कोई भाव से बायर नहीं है, तो हो गया। सो इट गोज ऑन ओवर 10% 20%, देयर इज नो बायर। सो ये जो फियर का माहौल है, उसमें जिस आदमी के पास जितना पैसा हो, लगता है कि भाई मैं जितना पैसा हो मेरे पास बहुत अच्छा है, आगे मेरे कुछ नहीं करने का। लेकिन यही टाइम है, ये क्राइम एक्चुअल में क्रिमिनल है टू से आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम सिटिंग ऑन कैश एंड आई विल नॉट पुट इन। दिस इज द टाइम टू एक्चुअली कम आउट। जो बोलते हैं ना, व्हेन द वर्ल्ड इज फियरफुल यू शुड बी ग्रेडी, दिस इज द टाइम। बिल्कुल सही है। तो अब सवाल ये है कि आज ये बोले और फियर बढ़ेगा, बढ़ सकता है, किसको मालूम क्या होगा। सही है। you know, ये जो आपको आधा घंटे का रिकवरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट रिकवरी है। सो द वर्ल्ड कैन बिकम यूर मोर फियरफुल, बट जैसे 100 रुपए है, आप 10 रुपए कल लगाना था, 10 रुपए आज लगाएं, कल लगाएं, जैसे जैसे बाजार आगे, और उसके बाद यू कैन नॉट गेट द बॉटम। जी सर, नो वे यू कैन गेट द बॉटम, दिस इज अनयूजुअली लो प्राइसेस, गुड कंपनीज आर अवेलेबल रीजनेबल प्राइसेस, और क्या चाहिए आपको। तो सर किस तरह के स्टॉक्स में, किस तरह की कंपनीज में इस समय इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने आज भी पैसे लगाए हैं, इसलिए देखिए शेयर बाजार में लोअर सर्किट खुल के बाजार ऊपर एक बार आया है। आप क्या राय देंगे, किस तरह के स्टोरीज पर बैट करना चाहिए? देखिए जो मैनेजर है, जी मैनेजर खुद को मालूम रहना चाहिए कौन सी कंपनी अच्छी है, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं अपने पैसे, तो मेरे बोलने से आप नहीं कमा सकते। ठीक बात है, समझे ना। और अच्छा ये है कि यहाँ पर कई अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, उनको आप पैसे दीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। लेट द फंड मैनेजर डू द जॉब ऑफ इन्वेस्टिंग। यदि आप खुद करना चाहते हैं, आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको एक कोई कंपनी समझ में आती है तो मेरे को समझ में आती है, लेकिन आपको समझ में आती है, ठीक है, तो आपको अपनी समझ से काम करनी पड़ेगी। क्योंकि ये चीज ऐसा है, आप 100 में खरीदो, हो सकता है 80 का भाव हो जाए, फिर आप डरोगे, अरे उन्होंने बोला था मैं कर लिया। सही है। लेकिन आपको यदि समझ है कि 80 का भाव हो गया तो 80 में और डबल करेंगे आप, क्योंकि आपको मानो 200 का चीज आपको 100 मिल रहा है और 80 में भाव हो गया है, तो ये बहुत जरूरी, कन्विक्शन आपको लाना बहुत जरूरी टेबल के ऊपर। इट इज नॉट अबाउट अ स्टॉक। एसआईपी जारी रखें बाप, एसआईपी तो बहुत, आज यदि एसआईपी यदि चालू नहीं रखा तो इससे बड़ा गलती आप कभी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये चालू करने का भी समय है, यदि आपके एसआईपी नहीं है, ये बहुत सही समय है। लो से चालू करो तो हमेशा आपका एवरेज बहुत अच्छा रहेगा। वाओ, या सो दिस इज द फर्स्ट फैंटास्टिक टाइम टू स्टार्ट एसआईपी विदाउट एनी डाउट एंड जंबो, एंड देयर कैन बी अ शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। कि भाई आपको लगता है ये प्रॉब्लम 4 महीने रहेगा, तो 4 महीने का एसआईपी कर दो आप। ओके, मतलब 4 महीने का कर दो, या 16 महीने का कर लो, कुछ भी 16 वीक का कर लो, लेकिन ये 4 महीने से ये प्रॉब्लम जो समझ है मेरी, ये प्रॉब्लम यदि चाइना में भी 3-4 महीने में खत्म हो गया, तो विश्व में उससे कम में खत्म होगा, क्योंकि उनको विदाउट नोटिस आया था, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। सही है। वी आर गेटिंग द प्रॉब्लम विद द फुल प्रिपरेशन। ठीक बात है। यू नो, सो आइसोलेशन, ये वो, सेल्फ क्वारंटाइन, बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम है 3-4 महीने का, आप अपना इन्वेस्टिंग प्रोसेस चालू कर दें आप अपना। शैल जी को भी कुछ सवाल पूछने हैं, शैल जी बताइए। रामदेव साहब मेरा एक प्रश्न जरा हटके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे है। हमारे लाखों ऐसे दर्शक हैं जो किन्हीं कारणवश इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब आपकी तरफ से ऐसे कौन से एक या दो कदम उन्हें उठाने चाहिए कि वो इस परेशानी से उभरें, और आगे आने वाले समय में वो कौन से दो कदम उठाएं जो ये इस परेशानी में आए ही ना। देखिए ये जो स्मॉल मिड कैप का जो ये स्पेक्युलेटिव टाइप ऑफ ट्रेड होता है कि भाई मैं ये छोटी कंपनी खरीदूंगा, बहुत जल्दी ग्रो होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे बहुत कम समय में कमा सकता हूँ, ये एक लालच होती है एक इन्वेस्टर की। तो उसमें क्या है कि वो बिना समझ के, बिकॉज उसमें रिसर्च भी बहुत कम मिलता है, छोटी कंपनी में रिसर्च भी बहुत कम मिलता है, तो बिना समझ के आप शेयर न खरीदें, चाहे छोटा कैप हो चाहे बड़ा कैप हो। सही है। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी, डोंट बॉदर टू मच अबाउट द साइज ऑफ द कंपनी, बॉदर अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट द कंपनी एंड हाउ मच अश्योर्ड यू आर अबाउट फ्यूचर ऑफ द कंपनी, डोंट बिकम टू ग्रीडी इन द मार्केट। ठीक बात है। वो आपको जो एवरेज में इंडेक्स यदि 12% 13% का 40 साल का रेट है, आप बहुत में बहुत 15 कमा लेंगे आप। 25-30-40 कमाने के लिए, मतलब दिस इज नॉट द मार्केट। ठीक बात है। यू नो, वो नहीं हो सकता है, यदि वो चक्कर में जाएंगे आप तो आपका 0 हो जाएगा। सही बात है। यू नो, सो डोंट टेक अनड्यू रिस्क। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज जिसको जो आप कहेंगे डूज में, आज हम सब अपने दोस्त एक्सपर्टों से पूछ रहे हैं कि भाई एक डूज और एक डोंट्स जो करना चाहिए इस समय बाजार में, क्या करें क्या ना करें, बताइए सर हमारे दर्शक। एक तो बहुत चिंता मत करें आप,
सही है, थोड़ा मतलब अच्छे सांस लीजिए, डीप सांस लीजिए, आप रामदेव बाबा को याद करिए कुछ, यू नो मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते आप, इट्स अ टाइम टू टेक अ वॉक, नाइस वॉक, मतलब ज्यादा मतलब सीन पे सीन मत देखें अभी तो सर ये बजा की चिंता ज्यादा करके सही है आपकी बात, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, चिंता करते रहो, अभी 10% हो गई, अभी क्या है आपने शेयर खरीदे हैं, अभी थोड़ा आप आराम करिए, आप सही है, ये आराम करने का टाइम है, और यदि आपके पास पैसे हैं, कैश है, तो दिस इज द टाइम टू इधर डू इट टुडे मॉर्निंग, पूरा का पूरा मेरे पास आएगा तो मैं तो पूरे डाल दूंगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप 25% 10% आप करते चले जाए, मतलब दरवाजा खुल गया, सही है, बताया ना जो अच्छे रिटर्न का बहुत अच्छा दरवाजा खुल गया है, और इंडिया लकीली इज प्लेस्ड इन लॉट ऑफ एडवांटेजेस प्लेस, जब आपने भी सन्याल साहब से बात किया जी सर, उन्होंने बताया करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, या है उनको मालूम होगा, ऑयल का दाम नीचे है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आर लो, हमारे पास मॉनेटरी स्पेस है, फिस्कल स्पेस है, और सरकार बहुत जागरूक है, तो मेरे को लगता है कि है 2-3 महीने का प्रॉब्लम पक्का है, बट कैन वी थिंक बियॉन्ड बियॉन्ड दिस क्वार्टर, मतलब लाइफ इज वेल बियॉन्ड द क्वार्टर, अभी आप अच्छे कंपनी खरीदने जाते हो 2025 का 2027 का ईपीएस दिखाते हो, अभी किधर गए, सही है एक क्वार्टर में दुनिया गंद हो गया, ठीक बात है, तो देखिए ये बात वही कह सकते हैं जिन्होंने दशकों से बाजार देखा, इसलिए हम कहते हैं वॉरेन बफे हैं हमारे शेयर बाजार के, और आप सर आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय हमें शेयर करने के लिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।